दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी में जो चेनी होता है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो प्रेग्नेंट मदर होती है उनकी हेल्थ के लिए, बेबी की हेल्थ के लिए, बेबी को ब्रेनी बनाता है, हेल्दी बनाता है। उनका जो हेड होता है ना दोस्तों, चने, जितना ज़्यादा चने, छोले का, जितना टाइप का भी चना है, उस चने को खाने से बेबी का जो हेड पे बाल ज़्यादा होती है और बेबी ब्रेनी पैदा होता है, हेल्दी पैदा होता है, उसका वजन बढ़ता है माँ के पेट में। तो चने को कैसे खाना चाहिए? देखो, हर दिन तो हम उबाल कर खाने से, मतलब उबाल कर तो खाना चाहिए, लेकिन हर दिन तो वो टेस्टी नहीं होता है और हम खा नहीं पाते हैं। तो किसी दिन दाल के जरिए खा लीजिए, किसी दिन करी बना लीजिए, किसी दिन सलाद बना लीजिए, जैसे गाजर, प्याज, मूली, इस सब कुछ छोटे छोटे पीसेस में काट कर चने के साथ थोड़ा सा लेमन और चाट मसाला कर कर भी आप खा सकते हैं। इस तरीके से, मतलब खाने से दोस्तों आपको क्या होगा, टेस्टी भी लगेगा और देह में प्रोटीन भी जाएगी, आपका पेट में बन रहा बच्चा हेल्दी भी होगा। तो आप इस तरीके से खा सकते हैं, अदरवाइज आपकी जैसी मर्जी वैसी खाइए, लेकिन याद रखना ज़्यादा भी मत खाना। कोई भी चीज़ ज़्यादा हो ना तो वो शरीर के लिए, बॉडी के लिए उसका बुरा इम्पैक्ट डालती है। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को कर देना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।